वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। दीपेंद्र सिंह वापस आ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम अपने स्टूडियो में हैं और आज देखो पापा काट रहे हैं, पापा काट रहे हैं, साग काट रहे हैं, चाय बन रही है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। खाना खा लिया है भाई साहब, खाना पीना हो चुका है और मैंने खाना पीना खाने के बाद यूट्यूब ओपन किया था। वैसे तो सुबह सुबह मैं अपनी वीडियो स्टूडियो में देख लेता हूँ भी कितने लाइव व्यू आए हैं। जब मैंने यूट्यूब ओपन किया, मैं क्या देखा, मैंने देखा गाइस दिस बैटल हो चुकी है। एम मैंने डिस कर दिया है एम स्टैन और बादशाह को। भाई सोचो अगर एक वो भी कोई नई एल्बम एक साथ ही निकाल दें सभी इकट्ठा होकर, और वाह विजुअल इमेजिनेशन करके मैं तो अचंभित रह गया। मतलब देखो ना, एक तरफ बादशाह होगा, एमसी स्टैन होगा, इमरान खान, दूसरी तरफ हनी सिंह, ये एमी वे, और इनकी तरफ और कौन हो सकता है, अरे इतना पता नहीं है। हनी सिंह को चलो इनका तो पता है, पर एमी वे का पता है। और देखो ना कितना बड़ा, मतलब पूरा मज़ा आएगा, सारे कलाकार एक साथ हो, एक तरफ हो रहे, दूसरे कलाकार दूसरी तरफ पता है। और भाई हिस्टोरिकल बैटल होगी, वो बहुत मज़ा आएगा, हो भी सकती है। देखो बादशाह ने भी वैसे नई एल्बम अपनी अनाउंस कर दी है एमी वे के डिस्क के बाद, तो देखते हैं क्या है, मज़ा आता है। मेरे ना मच्छर ने काट लिया, पता नहीं किसने काटा, जलन बड़ी हो रही है, सारी तरफ हो गए। तो ये हमारे पास है लोशन, इसको लगा लेते हैं, शैम्पू लगाते हैं बालों को, काफी दिन हो गए बाल नहीं धोए अच्छे से। साग बन चुका है, इसको इधर कौन छोड़ के गया है साग को जमीन पर, हो गए गुस्से। बात है ये कि साग कच्चा रह गया है और मम्मी ने एक सीटी कम मरवाई है इसकी, है ना डैडी। स्पेशल दिखाने वाला पता क्या है गैस के लिए, 1 2 3 गैस नहीं करोगे मुझे पता है, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, मेरे प्लेस्टेशन 2 की गेम कैसेट्स डीवीडीज, ये ब्रदरहुड ऑफ फॉलआउट, ये सबसे बेकार गेम थी पर फिर भी मैंने इसका एंड किया था, कंप्लीट किया था इसको। और ये देखो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है क्या है, ये ग्रेटेस्ट हिट टेकन 5। भाई जिसने टेकन 5 नहीं खेली वो क्या ही गेमर बनेगा। इस कर को मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ, इसमें पर टेकन 5 की नहीं है, वो गेम में पड़ी होगी, इसमें ये वाली टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स यूबीसॉफ्ट, ये देखो इसमें ये सारा यूजर मैनुअल भी है इस पर। सारा इसको वो स्टोरी रैंकिंग वगैरह बताई हुई है इसमें, पता है कितने साल पुरानी है, 16 साल, 16 ईयर मैंने पहले भी। और ये रही ये मैंने बहुत खेली है, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट, पर इसके बारे से कभी भी अंडर नहीं निकला यार, कभी भी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। करेंगे इसको कंप्लीट, बताओ जरा, ऐसे बताना क्या मैं कंप्लीट करूँ इसको, खेलें क्या, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं कंप्लीट करूंगा ये हैरी पॉटर वाली। कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ प्लेस्टेशन 2 अपनी, और पता है कौन सी गेम खेल रहा हूँ, गैस कीजिए, मुझे पता कोई गैस नहीं करेगा इसलिए मैं बता देता। हैरी पॉटर है, सीक्रेट ऑफ चैम्बर, चैम्बर ऑफ द सीक्रेट का नाम है, सोच रहा हूँ कंप्लीट करूँ, ये देखो छोटा बच्चा जाग गया मेरे अंदर वाला। कुछ करता ये, कुछ मारता, पता नहीं क्या बोलता। अभी मैं सो रहा था, एकदम से बड़ी तेज गर्जने की आवाज आई, तो सीधा बाहर आ गया, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, धूप निकली थी पता नहीं बादल आ गए हैं।
मैं बैठने वाला हूँ, ये मेरा स्टूडियो है जी आमन के झाड़ के नीचे। मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसकी डबिंग करने वाला हूँ। और वैसे आज मुझे कमेंट आया यार, और मैंने कितने दिनों बाद एक कमेंट आया जो जेन्युइन था कमेंट। उस भाई ने पूछा था कि मतलब आप जो व्लॉग है वो आईफोन SE 2 से बनाते हैं। मैंने हाँ भाई उससे बनाते हैं। उसके बाद उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, शायद उसको उसका उसका उसको उसका जवाब मिल गया होगा। सो वो देखो, हेलो कुरो, दिस वन इज कुरो एंड दिस वन इज पुरो, कुरो एंड पुरो ये दोनों भाई बहन हैं। ये देखो हमारे इधर रहते हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत बातें करता मैं उनसे, आपको भी दिखाया करूँगा, बस गर्मी जाने दो, गर्मी में नहीं हो पाती बात। इसका लो अपनी सेवा करवा रहा है, देखो खुजली करवा रहा है, खुजली वारा गद्दी करके आया पूरे गांव की। अभी सुबह से देखा नहीं था। वो देखो जैसे स्वर्ग का रास्ता हो, स्वर्ग का द्वार हो। अभी भी बड़ी तेज बिजली चमकी और कालू डर गया। कालू इधर बैठा था, इधर आ गया आसमान में, बहुत धमाके जैसी आवाज आई जैसे जमीन पर गिरी हो। मैं ना मार्केट जा रहा था, घर वाले बोले काला कपड़े पहन के नहीं जाते, बिजली गिर जाती है, फिर टी शर्ट उतारनी पड़ेगी। वैसे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा यहाँ तक? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए द गुड द बाय, और सभी का थैंक यू जो यहाँ तक देख रहे हैं।